सो इट इज अ मैस मेयरिंग डिवाइस, इसकी मदद से ऑब्जेक्ट्स का मैस मेयर किया जाता है। और ये हमारे पास क्या क्या चीजें मेयर करता है, ये कि हमारे पास किलोग्राम के साथ साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वैल्यूज दे देते किलोग्राम में, तो इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स का ग्राम मतलब बहुत छोटे यूनिट्स में और मिलीग्राम में भी ऑब्जेक्ट का मैस मेयर कर सकते हैं। और आज मैं आपको लोगों को बता दूंगा कि लिखना नहीं है बेटा बेटा, आप लोगों को घर के लिए असाइनमेंट दे दी जाएगी, तो वो असाइनमेंट आप लोगों ने करनी होगी। विल गिव यू द असाइनमेंट एट द एंड। वालेकुम सलाम। ओके, सबसे पहले यहां पे जो वर्ड लिखा गया है वो इलेक्ट्रॉनिक का है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। हमें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से क्या हमें पता चलता है कि सबसे पहले इसको हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वी हैव टू गिव पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट से ऑन या ऑफ होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट से ऑन या ऑफ होगा। जवेरिया अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैं जो आपका स्केचेस है उनका रिजल्ट अपलोड कर दूंगा। और आप मुझे ये चीज बता दें, आप सब तक मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है? ये जो आज पढ़ेंगे मरियम बेटा उसी की असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ कि आज उसकी असाइनमेंट देंगे। सो टू मेयर द मैस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से मैस मेयर करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड स्टार्ट एंड रीसेट। सबसे पहले हमें प्लाज्मा फिजिक्स इज द फोर स्टेट बेटा, हमारे पास फोर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द प्लाज्मा। और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, और जैसे कि आपके पास चैप्टर नंबर 7 आएगा उसके अंदर हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स होता है। वालेकुम सलाम बेटे। ओके, अगर क्लियर है आवाज तो बहुत अच्छी बात है। खैर, सबसे पहले हमने कहा कि हमने आज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ ही मैंने लिख दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैस मेयरिंग ऑब्जेक्ट है, मैस मेयरिंग डिवाइस है। जैसे कि हम लोगों ने फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में भी पढ़ा था, वो भी मैस मेयरिंग डिवाइसेस थी, ये भी मैस मेयरिंग डिवाइस है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट वो ये है कि ये किलोग्राम के साथ साथ ग्राम और मिलीग्राम में मतलब बहुत छोटी चेंजेस को भी मेयर कर लेती है। अगर आप इसके ऊपर चीनी रखते हो और चीनी थोड़ी सी उठाते हो अपने हाथों से खाने के लिए, तो ये इसके डिजिट्स कम या ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। सो हमें अंदाजा हो जाएगा कि वैल्यूज कितनी कम या ज्यादा हुई, मतलब बहुत छोटे चेंज को भी मेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है एज कंपेयर टू फिजिकल बैलेंस एज कंपेयर टू बीम बैलेंस। नहीं मेरा बेटा, आज जो असाइनमेंट दूंगा वो असाइनमेंट आपकी रेलिवेंट टू द फिजिक्स होगी, आज के टॉपिक के बारे में होगी कि आपने घर से इसको कैसे करना है। यस, वी आर स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जी मेरा बेटा, इट इज अ मैस मेयरिंग डिवाइस। एक पॉइंट तो उसका ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो मेड इन किलोग्राम ग्राम एंड मिलीग्राम। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि सबसे पहले आप इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो, इसको ऑन करते हो, ठीक है मेरा बेटे। और उसके बाद जी अवैस बेटा, आपकी असाइनमेंट जैसे आज आपने लिखी इसी तरह बाकी असाइनमेंट्स भी आपने करनी होगी। ये जहां पे आपके पास लाइव नो के साथ असाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरह आपके पास वहां पे आपकी ये असाइनमेंट कर दी जाएगी। जी मेरा बेटा, मैं कर देता हूं इसको जूम भी। मैं गाइड कर दूंगा मेरा बेटा, गाइड कर दूंगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को, रीसेट करना पड़ता है। और स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है जी,
स्टार्ट करने के लिए हमें यहां से इसके ऊपर बटन बना होगा ऑन, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेलनेस विल स्टार्ट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस विल स्टार्ट, विल स्टार्ट। और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, और सेकेंडली हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंडली हम इसका क्या करेंगे, यार वेनेसडे को तो फिजिक्स का टेस्ट होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, बाकी मैं सब आपको गाइड कर देता जी मेरा बेटा। पहले स्टेप में आपने उसको बटन प्रेस जहां पे ऑन लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, उसको जी मेरा बेटा मैं करवा देता हूं, उसको ऑन करना होगा, और उसके बाद ये रीसेट स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ये स्टार्ट होगा तो आप इसको रीसेट करोगे। रीसेट करने का मतलब अगर इससे पहले कोई आपने वैल्यू मेयर की होगी उस वैल्यू पे होगा तो इसको आप लेके आओगे जीरो पोजिशन पे, इसको आप लेके आओगे जीरो पोजिशन पे, वापिस लेके आओगे थर्ड स्टेप में, bring back to the zero position, bring back to the zero position, bring back to the zero position। आज मैं आप लोगों को इसके साथ एक वीडियो भी दिखा दूंगा, bring back to the zero position। तो थर्ड स्टेप मैंने तीन तरीके बता दिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से वैल्यूज को या मैथ को मेयर करने के लिए। फर्स्ट स्टेप आप इसको स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा सेकंडली आप इसको रीसेट करोगे, और जब ये रीसेट हो जाएगा तो आप इसको ओरिजिनल पोजिशन जीरो पे लेके आओगे, ब्रिंग बैक टू द जीरो पोजिशन, आप इसको जीरो पे लेके आओगे। जब ये जीरो पे लेके आएगा उसके बाद सिंपली आप जो भी जिस ऑब्जेक्ट का भी मैथ मेयर करना चाहते हो, पुट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू द मैस ऑफ द मेयर, या जिसका भी आप मैस मेयर करना चाह रहे हैं। जी स्पीड की जो यूनिट है बेटा वो मीटर पर सेकंड है, बिकॉज इट इज द डिराइव क्वांटिटी, और मीटर पर सेकंड उसका डिराइव यूनिट है। जी इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है, और इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यहां पे फोर्थ पॉइंट जो मैं लिखने लगा हूं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बैलेंस इज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन बीम बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। अगर तीनों का मुआवजना किया जाए, कंपेयर किया जाए, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड विच वन इज मोर प्रिसाइज, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो सबसे अच्छा इसलिए भी है कि हम अगर उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस देखते हैं वो हमें ग्राम के साथ मिलीग्राम के चेंज में बता रहा है, लेकिन बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, वो छोटी छोटी वैल्यूज को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता वो सबसे बेहतर होता है। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट सबसे कम है, जो कि हमारा कल का टॉपिक भी है कि विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। क्या बीम बैलेंस इंपोर्ट, अगर बीम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सबसे एक्यूरेट है तो क्यों है? मैंने आपको की पॉइंट बता दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसलिए एक्यूरेट है बिकॉज इट हैज द मिनिमम लीस्ट काउंट, जो कि मैं कल बताऊंगा कि कितना होता है। और इसके साथ हमने कंपैरिजन करना है बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस का, एक रुपए के सिक्के को हम तीनों बैलेंसेस के साथ मेयर करेंगे। जब तीनों बैलेंसेस के साथ हम मेयर करेंगे तो हमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि विच वन गिव द करेक्ट वैल्यू, विच वन गिव द करेक्ट वैल्यू, कौन हमें करेक्ट वैल्यू दे रहा है। So, अब मैं अब आपको लेके जाता हूं आपकी बुक पे, ये देखें जरा, मैंने यहाँ पे एक वीडियोस बनाई हुई है, वीडियो पे जरा देख ले को शायद और थोड़ा। How to use an electronic balance. There are different types of electronic balances from the purpose and accuracy desired. Balances have ranges from whole grams to tenths
hundreds, thousands, and ten thousandths of a gram. To start using an electronic balance, first turn on the power button. सबसे पहले आप ये देखो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को. The balance will zero itself. कि आपको ये देखें ऑन और ऑफ के बटन नजर भी आ रहे हैं इसके ऊपर. Clean wave mode on the balance. और ये ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दिया. रीसेट करने के बाद जीरो. ये देखें सबसे पहले यहां पे वीडियो में भी यही चीज दिखाई कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए ये ऑन और ऑफ का बटन नजर आ रहा है और उसके नीचे ये ऑन और ऑफ का बटन है और ये जीरो का बटन है कि सबसे पहले आप उसको ऑन करने के बाद जीरो पे लेके आओगे और उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट का मैस क्लियर कैलकुलेट करना है और उसको आप उसके ऊपर रख दोगे. अब जरा मैं आपकी बुक पे लेके जाता हूं आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ गया डिफरेंट रेंज में हमें मार्केट में अवेलेबल है. मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम, मतलब ये तीनों में बहुत छोटी वैल्यूज के मैस को भी मेजर इजीली कर सकता है किलोग्राम के साथ साथ ग्राम और मिलीग्राम में भी. सो बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ द बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए पहला पॉइंट ये था इट इज स्विच्ड ऑन. इसको सबसे पहले हम ऑन करते हैं एंड रीडिंग इज सेट टू जीरो. ओके तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किसे कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम्स इन वेरियस रेंजेस, ग्राम, मिलीग्राम एंड किलोग्राम. बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ द बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन एंड रीडिंग इज सेट टू जीरो. उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट, दूसरा स्टेप क्या है. प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट रख दें जिसका अपने मैस मेयर करना है. द रीडिंग ऑन द बैलेंस, जो रीडिंग डिजिट्स की फॉर्म में आ रही होगी, गिव यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस ओवर इट, आपको उस ऑब्जेक्ट का मैस बता देगी जो उसके ऊपर रखा हुआ है. आप उसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे हाउ कैन वी मेजर द मैस ऑफ द बॉडी, हाउ कैन वी मेजर द मैस ऑफ द बॉडी ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. विद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे इसके ऊपर जहां पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखा हुआ है. ये क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं. हाउ कैन वी मेज द मेयर या हाउ कैन वी मेयर द मैस ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. जी मेरा बेटा, तो ये मैंने बता दिया हाउ कैन वी मेयर द मैस ऑफ द बॉडी विद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ये क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर. और आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सचिन शोरन फिगर की कोई जरूरत नहीं. कम्स इन वेरियस रेंजेस, बिफोर मिलीग्राम्स, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम रेंजेस. ये लाइन अंडरलाइन करें. अब यहां से स्टार्ट होता है इसका आंसर. बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ द बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन, व्हिच इज स्विच्ड ऑन, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज स्विच्ड ऑन एंड इज रीडिंग इज सेट टू जीरो. और उसकी रीडिंग को जीरो पे लेके आ जाता है. नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, उसके ऊपर आप उस ऑब्जेक्ट को रख देना है जिसका आपने मैस मेयर करना है. The reading on the balance, जो reading अब balance के ऊपर आ रही होगी, gives you the mass of the body placed over it. जी मेरा बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ताकि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाए. अब मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि कल का जो हमारा क्वेश्चन होगा या कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा. ओके बेटा, अगर क्लियर है. ये क्वेश्चन मैं आपके सामने भी रख देता हूँ. ये इसका आंसर आपने कल मुझे बताना है. ये आपकी असाइनमेंट है और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, मतलब मंडे को. विच बैलेंस ये मैं ऊपर लिख देता हूं असाइनमेंट. ये आपकी असाइनमेंट भी होगी. विच बैलेंस इज मोर एक्यूरेट एंड वाई. कौन सा बैलेंस एक्यूरेट है और क्यों है. ये आप लोगों का वैसे मंडे का टॉपिक भी होगा, लेकिन आप लोगों ने घर से ट्राई करके आनी है कि कौन सा करना है.
सर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क्स करवा दे, मेरा बेटा जैसे ही चैप्टर एंड होगा ना उसके एंड पे भी बता दूंगा, लेकिन शुरू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो फिजिकल क्वांटिटीज था, बेस क्वांटिटीज था, डिराइव्ड क्वांटिटीज था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सेकंड पैराग्राफ, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, और उसके बाद वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज की डेफिनेशन, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। ओके मेरा बेटा, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो शहजादे पूछ लो, और होपफुली आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्लियर हो गया होगा। मंडे को इंशाल्लाह बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स पे, और थैंक यू सो मच, मुझे आप सबकी विशेष भी मिल चुकी है, मैंने मैसेज कर दिया था कि मेरा बेटा कि आपको असाइनमेंट का जो सेकेंड कॉलम नजर आ रहा है ना, ये जहाँ पे अपडेट्स के साथ लाइव नो आ रहा होता है, यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगी, अभी मिस सभा कर देंगी, और वहां पे आपने तस्वीरें लेके अपलोड करनी होगी। जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर एक्यूरेट, एक्जेक्टली मोर एक्यूरेट है, लेकिन कैसे एक्यूरेट है ये आपने मुझे बताना है कि क्या बेसिक डिफरेंस क्या है इनका आपस में। अहमद, ये आपने तस्वीरें लेके मेरा बेटा अपलोड करनी होगी, चाहे अपलोड कर दें या चाहे मुझे मैसेज में सेंड कर दें, चाहे आप यहाँ पे पोस्ट कर दें, तो बेहतर ये कि अगर आप पोस्ट करना चाहें पोस्ट कर दें। ये अब आप पे डिपेंड करता है, कहीं से देखकर अगर आपको मिल जाता है, ये आंसर आपकी बुक में इसी पेज पे मौजूद है, तो आपने वर्ड फाइल नहीं, जस्ट राइट ऑन योर पेज एंड देन टेक द पिक्चर्स, राइट ऑन द पेज एंड टेक द पिक्चर्स। जी बेटा, मैं आप सबका फीडबैक जरूर देखता हूं, डेली ही देखता हूं क्या क्या कमेंट्स आते हैं आपके। चले मेरा बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो भी फीडबैक है वो भी अच्छे से दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।